बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अरशद खान। आज की हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली जो टॉप जॉब के हवाले से जो वेबसाइट्स हैं उनको हम देखेंगे। आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको मैं मुकम्मल तौर पर जो है वो वेबसाइट्स के बारे में बताऊँगा जो कि जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हैं और जिन पर तमाम तरह की जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं वो पोस्ट की जाती हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। उस पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट है वो है rosy.pk। rosy.pk जो है एक ऐसी वेबसाइट है जो कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए स्पेशलाइज्ड है। rosy.pk पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल जो है वो सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, अपनी जो आपकी एजुकेशन है, अपना एक्सपीरियंस है, जो भी आपने हासिल किया है उसको आप उस प्रोफाइल में जो है वो लिखते हैं और उस प्रोफाइल के बेस पर जो है वो आप डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जो है वो जॉब्स को सिटी वाइज या कैटेगरी वाइज जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें कंपनीज़ का डाटा भी मौजूद है, आप किसी भी स्पेशल कंपनी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी स्पेशल सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी आप जॉब्स को इसमें कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें एम्प्लॉयज़ भी मौजूद हैं, तमाम वो अपनी जॉब्स को पोस्ट करते हैं और इसी तरह से जो है वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ का कॉन्टैक्ट बनता है। तो rosy.pk जो है पाकिस्तान की टॉप वेबसाइट्स में से एक है जॉब के हवाले से। नेक्स्ट जो है वो आज की वेबसाइट हमारी mustaqbil.pk है। mustaqbil.pk भी एक rosy.pk की तरह की ही एक वेबसाइट है जिसमें आप जाकर अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं और उसी की बेस पर जो है वो फिर आप डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई करते हैं। mustaqbil.pk जो है .com जो है ये भी एक प्राइवेट सेक्टर स्पेशलाइजेशन इसकी है, जिसमें इनके प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स हैं ज़्यादातर वही इसके अंदर जो है पोस्ट की जाती हैं और उन्हीं पर आप जो है वो ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो दो वेबसाइट्स हैं इनमें आप जाकर अपनी प्रोफाइल बनाएं और प्रोफाइल को इस तरह से प्रिपेयर करें ताकि जो एम्प्लॉयर है वो आपकी प्रोफाइल को देखकर जो है वो अट्रैक्ट हो, उसको पता लगे कि आपने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया, क्या नॉलेज है, क्या आपकी स्किल्स हैं, ताकि वो आपको जो है वो हायर करने की तरफ आए। नेक्स्ट जो हम वेबसाइट देखने जा रहे हैं वो है viewlearning.com। viewlearning.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें तमाम जो न्यूज़पेपर में आने वाली एड्स हैं उनको पोस्ट किया जाता है और ये इसमें आप देखेंगे तो तमाम गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स आती हैं उनको भी पोस्ट किया जाता है और उसके साथ साथ जो बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट जॉब्स आती हैं उनको भी पोस्ट किया जाता है। तो व्यू लर्निंग एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें आप जाकर तमाम जो न्यूज़पेपर्स में आने वाली जॉब्स हैं, बेशक वो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं या प्राइवेट सेक्टर की हैं, उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे paperads.com। इसको paper pk भी कहते हैं, अगर आप paperpk.com लिखेंगे तो भी ही वेबसाइट जो है वो ओपन होगी। paperpk भी एक काफ़ी ओल्ड वेबसाइट है और इस पर भी तमाम तर जो है वो कैटेगरी वाइज आप इसमें न्यूज़पेपर वाइज भी जॉब्स को देख सकते हैं कि कौन से न्यूज़पेपर की आप आज की तारीख की जॉब्स देखना चाहते हैं। इसमें सिटी वाइज भी आप देख सकते हैं, कंट्री वाइज भी देख सकते हैं। तो इसमें भी तमाम तर जो जॉब्स आती हैं जो न्यूज़पेपर्स के अंदर वो इसमें लिखी जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें प्राइवेट जॉब्स जो हैं जो कि न्यूज़पेपर के अंदर तो नहीं आती लेकिन वैसे पोस्ट की जाती हैं वो भी आप इसमें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो jobs.pk है, ये भी एक सेम व्यू लर्निंग या पेपर एड्स की तरह की ही एक वेबसाइट है जिसमें तमाम तर जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स को ऐड किया जाता है। तो ये तमाम वेबसाइट्स को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग रोज़गार की तलाश में हैं वो इन वेबसाइट्स पर जाकर जो है अपना देखें, अपनी प्रोफाइल के मुताबिक इस जॉब को तलाश करें, उसको मैच करें, उसमें अप्लाई करें और उनको जॉब हासिल हो सके। इसके अलावा आज एक और मैं आपको जो पंजाब के स्पेसिफिक वेबसाइट है इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो जॉब्स आती हैं वो स्पेसिफिकली एक पंजाब गवर्नमेंट ने अपना एक पोर्टल बनाया है जिसमें इसे पंजाब जॉब्स पोर्टल का नाम दिया गया है। इसमें पंजाब सूबा के अंदर प्रोविंस के अंदर आने वाली जो जॉब्स हैं वो पोस्ट की जाती हैं। तो इस पर जाकर भी आप अपनी प्रोफाइल बनाएँ और आपके रेलिवेंट जो भी पोस्ट आती है उस पर अप्लाई करें तो आपको थ्रू ईमेल जो है वो इसमें इन्फॉर्म किया जाता है आपके इंटरव्यू या टेस्ट के हवाले से फर्दर। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी बॉडीज़ मौजूद हैं जो कि 16 स्केल या उससे अबव स्केल्स की जो पोस्ट्स होती हैं उनके लिए टेस्ट कंडक्ट करती हैं, इन पर भी आप जॉब्स को जो है वो देख सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो वेबसाइट है ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं बेसिकली जो कि टेस्ट कंडक्ट करती हैं। सबसे पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, fpsc.gov.pk इसकी वेबसाइट है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट के इदारे जो फेडरल इदारे ख़ासतौर पर उनके हवाले से जो जॉब्स आती हैं वो इसमें मौजूद आप देख सकते हैं। और fpsc की जॉब्स जो हैं वो एवरी मंथ हर महीने के फर्स्ट या सेकंड डेट को जो है ये अनाउंस की जाती हैं। आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से कुछ डिलेज आ रही हैं लेकिन नॉर्मली
हर मंथ की फर्स्ट या सेकंड डेट को जो है ये जॉब्स अनाउंस की जाती हैं, और इनके फिर फर्दर जो है वो टेस्ट, रिटन टेस्ट, MCQs, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और प्लस इंटरव्यूज लेकर लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें PPSC है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि पंजाब लेवल पर जो इदारे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के उनमें हायरिंग के लिए जो है वो अपना काम जो है परफॉर्म करती है। तो आप PPSC की वेबसाइट्स पर जाकर अपनी जो है वो जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। PPSC का नॉर्मली जो है वो हर संडे जो है वो ऐड दिया जाता है न्यू जॉब्स के लिए, जिसमें डिफरेंट तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जॉब्स जो है वो अनाउंस की जाती हैं। तो आप PPSC की वेबसाइट पर जाकर इन एडवर्टीजमेंट्स को देख सकते हैं। इसी तरह हर सूबे का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसमें SPSC सिंध का है, KPSC खैबर पख्तूनख्वा है, और BPSC जो है बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो तमाम जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हैं इदारे ये ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो बड़े इदारे हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट्स करते हैं, ज़्यादातर 16 और इससे अब लेवल के स्केल्स की। इसके अलावा जो 11 से 15 स्केल के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं स्पेसिफिक, उनकी रिक्रूटमेंट भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही की जाती है। तो ये आज जो हमारी वेबसाइट्स थी जिनके बारे में हमने आज सीखा है, आप इन वेबसाइट्स पर जाकर अपना डाटा जो है वो एक प्रोफाइल जो है कम्प्लीट करें, उसमें डिफरेंट जॉब्स जो आपको अवेलेबल मिलती हैं उनमें अप्लाई करें। इंशाल्लाह।